आपका मकसद पप्पू यादव को हराना है और एनडीए को जिताना है, और मकसद आपका क्या हो सकता है? आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए, ना महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा छुपा लेंगे। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकारना। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी चीज नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही तब हम भी टीम नजर नहीं आए। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। तेजस्वी बहुत बड़ी बात बोल गए कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को नहीं चुनते तो आप एनडीए को चुन लो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। बिहार की पूर्णिया सीट इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है, हर किसी की निगाह इस वक्त इस सीट पर है। इस सीट पर पप्पू फैक्टर बड़ा खेल कर सकता है। पप्पू यादव ने इस सीट से निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी, उनके इस फैसले ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी हैं। इस सीट के जातीय समीकरण जो इशारा करते हैं वो काफी दिलचस्प है। दरअसल इस सीट पर करीब करीब 6.5 लाख अल्पसंख्यक हैं और करीब 1.5 लाख हैं यादव वोटर, जिसे MY फैक्टर काफी मजबूत नजर आता है, और हर किसी की इस वोट बैंक पर नजर है। पप्पू यादव की पकड़ यहां मजबूत है, उन्होंने पिछले 3 साल इस सीट पर कड़ी मेहनत की। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू की इस गुगली में फंसा कौन, कांग्रेस, JDU या RJD? नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले यहां के प्रत्याशियों को नींद जरूर आनी बंद हो चुकी है। आज बिहार की इसी सीट की चर्चा होने जा रही है, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहने वाले, लेकिन इससे पहले इस सीट को लेकर जो जुबानी जंग शुरू हुई है, आइए कुछ अंश उसके आपको दिखाते हैं। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार। पूर्णिया लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प बन चुकी है पप्पू यादव की एंट्री के बाद। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुमित शशांक प्रवक्ता BJP, कंचना यादव प्रवक्ता RJD और कन्हैया बहलारी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का एक बार स्वागत है, और शुरुआत कंचना यादव आपके साथ करते हुए। कंचना जी, मुकाबला है चलिए एनडीए के साथ में सामने सामने, लेकिन यह कह देना कि या तो हम या तो वो, इसमें तीसरा कोई एंगल नहीं, पप्पू यादव का बिल्कुल ही नंबर कट, एनडीए के लिए खुद अपील कर रहे हैं तेजस्वी? नहीं नहीं नहीं, अपील कर रहे हैं ये तो पूरा गलत है, ये पूरा गलत स्टेटमेंट। आप लोग का भाई ये आर्ट है, चाहे जैसे प्रस्तुत कर दीजिए, पर यहाँ पर सच्चाई ये है कि लड़ाई दो धड़ों के बीच में है, एनडीए और इंडिया के बीच में है। और उसमें जब पप्पू जी जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और कहते हैं कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाऊंगा, और एक एक तरफ जो है जब कांग्रेस के राहुल गांधी खुद बीमा भारती के सपोर्ट में वोट मांग चुके हैं, और ऐसे में आप इंडिपेंडेंट होकर कांग्रेस ही क्लेम करते हो, तो और आप ये भी नहीं जानते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, तो इसका साफ मतलब है। और यहाँ तक कि पूर्णिया में जो BJP और RSS का जो लोग हैं वो पूरी तरह से पप्पू यादव के सपोर्ट में समर्थन में उतर आए हैं, दिन रात पप्पू यादव के समर्थन में लिख रहे हैं। ये साफ जाहिर है कि RSS बैकिंग कर रही है। अरे आप देखिए ना, केंद्र सरकार किसको देती है इस समय सिक्योरिटी, किसको देती है? जो उनके समर्थक होते हैं उनको सिक्योरिटी मिल रहा है, उनको सारी मदद। अब एक सेकंड, मेरे एक सवाल का जवाब, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बीजेपी RSS इस पूरे मामले में पप्पू यादव का सपोर्ट कर रही है, तो आप भी तो जब मन से ये कह रहे हैं कि या तो हम या तो एनडीए, तो उसमें तो आपका भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही जाएगा ना एनडीए के प्रत्याशी को, सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए आप भी तो बीजेपी के ही प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली। पूजा जी, हम कह रहे हैं एक तरफ हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, हम एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में रोजगार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये धड़ा है, ये विचारधारा है जो इंडिया गठबंधन का है,
और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके एक से एक नेता जो है आकर दर्जनों नेता बोल चुके कि हम संविधान खत्म करेंगे इसलिए हमें 400 सीट दो, और ऐसे में आकर पप्पू यादव अगर एक वोट कटवा की तरह काम कर रहे हैं वहां पर और एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एकदम साफ है, दो धड़ा है, या तो आप एनडीए को चुन रहे हैं। ठीक है सुनील शशांक जी, ये कह रहे हैं कि वोट कटवा के तौर पर आपके इशारे पर पप्पू यादव काम कर रहे हैं, तो क्या ये माने कि अल्टीमेटली इसीलिए खुद तेजस्वी कह रहे हैं कि भैया या तो हमको चुन लो या तो एनडीए को चुन लो? देखिए पूजा जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, इनको और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है, छोटी मोटे लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं ना, उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार से जंगल राज के पर्याय लालू जी ने जिस प्रकार से पूरे बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, जिस प्रकार से बिहार जो है वो कहीं ना कहीं गड्ढों में बिहार को पहुंचाने का इन्होंने काम किया, जिस प्रकार से बिहार की भैंसे जो हैं वो भी इनका नाम सुनकर के डर जाती हैं, बिहार की भैंसों का चारा चोरी करने का काम किया और अलकतरा पीने का काम किया, इनको तो ये कह रहे हैं कि पूरी इतना सब आप कह रहे हैं कि इतना सब आपने किया, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी आपको पप्पू यादव का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको एक वोट कटवा वहां पर उतारना पड़ रहा है। पूजा जी बहुत स्पष्टता से समझना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देती। कांग्रेस का नाव डुबाने के लिए एक पप्पू कम थे क्या कि दूसरे पप्पू का सहारा कांग्रेस को लेना पड़ा? लालू जी द्वारा इम्प्लांटेड जो पप्पू यादव हैं वो किसके लिए इम्प्लांटेड है? तो कन्हैया भलारी जी, पूनिया का इस वक्त जो सियासी समीकरण है उसे आप कैसे देख रहे हैं? जो पप्पू इतना ज्यादा इस वक्त आरजेडी के नेताओं की जुबान पर चढ़े हुए हैं, क्या वाकई वो आरजेडी का गेम खराब कर सकते हैं जिस कारण से वो इतना जुबान पर चढ़े हुए हैं? देखिए मैं अभी पूर्णिया से निकल करके फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव में बैठा हूं, मेरे बगल में उनके पुत्र भी बैठे हैं, इसलिए जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं पूर्णिया में 2 दिन रहा, आरजेडी के कैंडिडेट तो लड़ाई में ही नहीं है, वहां लड़ाई जो है वो तीर और कैंची में है, कैंची हो गया पप्पू यादव का। हाँ मैं आप सभी के पास वापस लौट रही हूँ, चर्चा करेंगे इस पर भी आगे, लेकिन इस